मानगो में वन विभाग के दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। मानगो वन विभाग के दीवार के समीप ठेला लगाकर दुकानदारी करना अशोक और सोनू को काफी महंगा पड़ा है। आपको बता दें कि बुधवार के दिन अशोक जैसे ही अपना दुकान खोला, कुछ ही घंटों बाद वन विभाग का दीवार गिर पड़ा और इस घटने में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 दुकानदार है और 1 ग्राहक जो मानगो का ही रहने वाला है। वैसे घायल अवस्था में 1 को गुरु नानक अस्पताल हॉस्पिटल तो दूसरे को गंगा मेमोरियल और तीसरे को TMH में भर्ती करा दिया गया है। वैसे इस घटने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। लोग घटना स्थल पहुंचे और 3 घायलों को निकाल अस्पताल पहुंचा दिया। दीवार वन विभाग का है और बहुत दिन से ही दीवार क्रैक था, जिसका सूचना हम लोग वन विभाग को दिए थे, लेकिन वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज लगभग 12 बजे के आसपास दीवार अपने आप गिर गया और आप देखिए ना कि दीवार किस तरह बनाया गया है, ना इसमें सीमेंट है, कहीं लगता खाली बालू से बनाया गया है, जिसके चलते यहाँ 4-5 आदमी खड़े थे जिसको चोट लगा है। 1 आदमी बहुत ज़्यादा इंजोर्ड है जो सोनू है, और 1 जो है सो अशोक कुमार सिंह जो भी चोट लगा है, दोनों का फ्रैक्चर हो गया, एक तो कमर फ्रैक्चर है, एक तो का हाथ फ्रैक्चर, और उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल भेजवाए हैं इलाज के लिए, जिसमें जो सोनू है बहुत ज़्यादा इंजोर्ड। क्या कर रहे थे ये दोनों यहाँ पर? ये दोनों खड़े थे यहाँ पर। अच्छा, किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचा है? नहीं, संपत्ति को नुकसान नहीं, एक साइकिल लेकर खड़ा था जिसका साइकिल दब गया था, हम लोग साइकिल निकलवा दिए, साइकिल पूरा ठेला वाला जो था ठेला किनारे में था, वो ठेला उसको लंगने से गिर गया। ठेला भी यहाँ खड़ा था, उसको नहीं खड़ा नहीं था, ठेला लेके जा रहा था, ठेला खड़ा नहीं था, ठेला लेके जा रहा था, वो भी नुकसान हुआ। हाँ, ठेला नुकसान हुआ। कितना ठेला नुकसान हुआ? अशोक कुमार सीट का और सोनू का दोनों का।